जागृत नागरिक मंच का मुंबई में प्रदर्शन, पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध। निषेध असो, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा सरकार सकराई सकाए, खाली डोका वरती पाय। अच्छा सरकार सकराई सकाए, खाली डोका वरती पाय। बोला बोला भारत माता की जय। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ जागृत नागरिक मंच ने मुंबई के वाशी शिवाजी चौक पर प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल प्रदेश भाजपा आईटी सेल प्रमुख सतीश निकम ने कहा कि एक पत्रकार को गिरफ्तारी का वारंट जारी किए बिना गिरफ्तार करना भारत के संविधान पर हमला है। सरकार डरी हुई है, इसलिए वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात कर रही है। महाराष्ट्र सरकार उसके विरोध में उठने वाली आवाज को दबा देना चाहती है। सरकार विरोधियों को मानसिक तौर पर परेशान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जिसके मन में डर है, जिसके मन में पाप है, जिसका कुछ न कुछ छुपाने के लिए रखा है, सामने वाला अगर उसको उजागर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बातें हो गई। डर तो है ही, आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इनके ऊपर कोई लिखता है तो ऐसे व्यक्तियों को घर जाकर उनको परेशान किया जा रहा है। कई घटनाएं हैं, आज 56 विविध कार्यकर्ताओं के ऊपर, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है। मैं खुद उसका स्वयं उदाहरण हूँ। कुछ नहीं, एक खाली आया हुआ शेयर मैंने फेसबुक पे कर दिया तो मेरे घर पे पुलिस आ गई पूछने के लिए कि भैया कैसे कैसे कर लिया। पुलिस स्टेशन लेके गए, 4 घंटा बिठा के रखा, आया जाया कुछ नहीं, उसमें निकलने वाला कुछ नहीं। लेकिन मानसिक रूप से तकलीफ देना ताकि सरकार के विरोध में आपने कुछ लिखना नहीं चाहिए, इस प्रकार के गलत मंसूबे लेकर ये सरकार काम कर रही है। बता दें कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला 2018 का है और गिरफ्तारी अब हुई है, इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके विरोध में भाजपा पूरे राज्य में विरोध कर रही है। भाजपा ने कहा कि अर्णव की गिरफ्तारी 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद दिला रही है। स्पेशल डेस्क, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।